गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। डू यू नो हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स हैव यू? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। नाउ वी विल डिस्कस वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल टंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंस ऑफ टेस्ट। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन टेक द टेस्ट ऑफ थिंग्स और फूड। टंग की हेल्प से हम किसी भी चीज़ का स्वाद आसानी से ले सकते हैं और उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ सेंस ऑफ साइट, आइज। विद द हेल्प ऑफ आइज वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस। आइज की हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नोज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंस ऑफ स्मेल। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन टेक द स्मेल ऑफ थिंग्स। इट हैज द गुड स्मेल और इट हैज द बैड स्मेल। नोज की हेल्प से हम किसी भी चीज़ की स्मेल को ले सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी स्मेल अच्छी है और इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्किन, स्किन आल्सो कॉल्ड द सेंस ऑफ टच। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन फील द थिंग्स, इट इज़ हॉट और इट इज़ कूल। Suppose you take the few drop of water on your skin, you feel it is cool. Or suppose you take the few drop of hot water, you feel it is hot. इसका मतलब ये हुआ, यदि आप अपनी स्किन पर गर्म पानी की कुछ बूंदें रखते हैं तो आपको फील होगा कि ये गर्म है, और यदि आप अपनी स्किन पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें रखते हैं तो आपको फील होगा कि ये ठंडा है। नाउ कम टू द ईयर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंस ऑफ हियरिंग। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन लिसन द डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस। ईयर की हेल्प से हम डिफरेंट तरह की आवाज़ को सुन सकते हैं। इस डिस्कशन से आपको सेंस ऑर्गन्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, नर्व्स। डू यू नो ऑल द सेंस ऑर्गन्स have a special part called nerves? Do you know how do the sense organs help us? Sense organs hamari madad kaise karte hain? These sense organs have the special part called the nerves. These nerves carry the messages from the sense organs to the brain. The brain interpret the message quickly and decide what to do. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास नर्व्स होती हैं और ये नर्व्स मैसेज को सेंड करती हैं कहाँ पर? ब्रेन के लिए, और ये ब्रेन
इन मैसेज को रीड करता है और डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। नाउ इट इज़ क्लियर। आई थिंक इस डिस्कशन से सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा।